लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। क्या समूह के नाम से चल रहा है आप लोग का समूह? भारतीय महिला स्व सहायता समूह बिलासपुर। समूह संचालन नहीं होने का क्या कारण है? सेक्टर से बाहर बता रहे हैं। क्यों? बस 500 मील दूर है सरसीमा से। वास्तव में है क्या ऐसा? हाँ, बस थोड़ी सी दूरी है। अच्छा, कुछ राशि देने की बात सामने आ रही थी आप लोग के समूह से, कितना राशि दिया और किसको इसको दिए? प्रियंका किरण के यहाँ हम लोग गए थे और वहाँ वो बोली कि मतलब सेक्टर हम लोग जोड़ देंगे, तो उसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है मतलब जोड़ने के लिए, तो विपिन जैन को देना है, ऐसी करके बोली। राशि कहाँ आके दिए? हम लोग वहीं भेड़गांव में प्रियंका किरण के पास छोड़ के आए। उनके अलावा किसको किसको राशि दिया आप लोग? उनके अलावा चित्रंजन बंजारे को और ऋचा पांडे। क्या बोल के लिए वो? उन लोग भी वही बोले कि हम लोग मतलब जोड़ देंगे सेक्टर जो बाहर है, आप लोग पैसा दे दो ऐसे करके। राशि क्या एक साथ दिए कि अलग अलग दिए? अलग अलग दिए। कितना कितना किसको किसको दिए? चित्रंजन बंजारे को 50,000 दिए और ऋचा पांडे को 40,000। किस माध्यम से दिए? ऋचा पांडे को चेक के माध्यम से दिए और बंजारे बाबू जो है अपना खुद लेके गए। कौन से विभाग में पदस्थ हैं आप? मैं महिला बाल विकास परिचर्या गाँव पे। कौन से पद में हो आप? ऑपरेटर। 15/4/17 को भारतीय महिला समूह के द्वारा आपके खाते में 60,000 रुपये आए, इसकी जानकारी है क्या आपको? मेरे को उसके बारे से कोई जानकारी नहीं है। किसी प्रकार की सूचना दी गई थी समूह के द्वारा? नहीं। या तो फिर आपके ऑफिस के द्वारा? नहीं। आपका खाता किस में है? SBI बैंक भटगांव में। देखिए, भारतीय महिला समूह द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो झूठा है। भारतीय महिला समूह 2009 से रेडी टू चला रहे हैं। उनका निरस्त ऑर्डर 8/8/2019 को जारी किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी 8/8/2019 के पहले भारतीय महिला समूह द्वारा हमारे खिलाफ या हमारे किसी भी स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ लेन देन का कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया था। 8/8/2019 के बाद उनके समूह को निरस्त किए जाने के बाद भारतीय महिला समूह द्वारा बदनाम करने के नियत से विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कुछ झूठा आरोप लगाया गया है। आपके द्वारा धमकी भी दिया जा रहा है कि आपको अंदर करा दूंगा और आगे का पेमेंट नहीं करूंगा, ऐसा क्या कहना चाहते हैं? अगर कार्रवाई शासकीय स्तर पर होता है तो परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ही कार्रवाई किया या कराया जा सकता है। एक बाबू को किसी को अंदर करा देना या किसी को धमकी दिए जाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो भी कार्रवाई किया जाएगा वो जिला स्तर पर किया जाएगा। दूसरी बात, समूह का भुगतान अभी लंबित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी की जो आदेश है उसमें लिखा हुआ है कि संबंधित समूह जब से संचालित कर रहा है उसकी गेहूं का मिलान करने के बाद उसका भुगतान करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर उनका भी भुगतान 2 महीने का भी रोका है। वहाँ एक कर्मचारी जो ऑपरेटर है उनके भी खाते में राशि गया है, वो दिखा रहा था, इस पर लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कर्मचारी के खाते में, मेरे स्टाफ के किसी कर्मचारी खाते में अगर कोई पैसा गया है, पैसा कब गया है, क्यों गया है, इसके संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है, संबंधित कर्मचारी ही बता पाएगा। आपका परिचय? चित्रंजन बंजारे, सहायक ग्रुप 3, महिला वार्ड का भड़का। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।